सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे लड्डू गोपाल और ये देख रहे हैं यहाँ पे टीवी। और आज का व्लॉग मैंने यहीं से स्टार्ट कर दिया है। तो इसको मेरा फ़ोन बहुत पसंद है और ये देखिएगा, फ़ोन तो नहीं दे पाती हूँ मैं इसको, लेकिन अपना फ़ोन का कवर निकाल कर दे देती हूँ तो उसको संतुष्टि सी रहती है। और बस आप धोने हैं मुझे आज बहुत सारे कपड़े। तो देखिएगा, कपड़ों का लग रहा है ढेर, कुछ मशीन में है, कुछ बाहर है। और ये देखिएगा, घर भी सारा ऐसा फैल रहा है। और ये देखिएगा, बर्थडे से अगले दिन का वीडियो है ये। और सारे गुब्बारे, बहुत सारे गुब्बारे नीचे गिर चुके हैं। और ये देखिएगा, यहाँ पर ये लोग खेल रहे हैं। कौन है चीनू? अरे वो चीनू नहीं थी जो आई थी, नंद की बहन बेटी थी। कौन थी पता नहीं, वो बुआ की, जो जो वहाँ रहते थे। और ये फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर धूप में बैठी हूँ और यहाँ पर थोड़ा बहुत धूप आ रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा यहाँ का भी बनाती हूँ। सारे पौधे जाड़ों में ख़राब हो गए, तो ये देखिएगा इनका भी बहुत ही अजीब सा हो रहा है। और ये देखिएगा, कुछ कपड़े मैंने डाल दिए हैं, कुछ कपड़े अभी डल रहे हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पड़ रही है और ये हमारा लड्डू गोपाल और मेरा बेटा यहाँ पर खेल रहे हैं। देखो इनके हाल। बेबो मरे करा मक्कड़ हम स्लीप ऑन मी गिंगिंग बोंगी बोंगे 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 बोंगे। चीटिंग करा तूने, चीटिंग करा गंदा गंदा। लड्डू लड्डू सोना लाडू का केले भैया, का केले भैया। देखो नहीं कर, बस वो मेरी अभी भेल दिन के उसे उसे खाड़ रहा है जो ऊपर को निकला हुआ। देखो नहीं कर, नहीं कर तो बहुत ही गंदा बात करता है, बहुत छोड़ता, छेड़छाड़ी करता है बच्चे के साथ। ले 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 ले, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई। पहले जब मैं शादी हुई थी, मैं देखने आती थी ऊपर से ट्रेन। देखिएगा छोटे छोटे कपड़े, आज मैंने सुबह जल्दी कपड़े धो दिए तो सबको धूप लग गई है। अभी मैं बहुत सारे कपड़े जो पहले पार में धो दिए थे ना, वो ले गई हूँ नीचे। और ये देखिए, ये मैंने ना गाँव की दाल जो गहत होती है, थोड़ी सी थी पर जो है इसमें काफ़ी कचरा था, कचरे से मतलब मिट्टी उट्टी इस तरीके से था। ये थोड़े से भट, तो ये भी ऐसी हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो धूप तेज है, इन्हें सुखा देती हूँ। और ये देखिएगा, यहाँ मैंने अभी सोच रही हूँ ले जाऊँ इन्हें, क्योंकि यहाँ बंदरों का बड़ा आतंक सा रहता है, थोड़ी धूप और लग जाएगी तो ठीक है। और बाकी कपड़े अभी सूख रहे हैं, जीन्स वीन्स मोटे मोटे कपड़े सब डले हुए। और बाकी ले गई हूँ मैं, मेरे सूट वगैरह तो सारे सूख गए थे, साड़ियाँ वाड़ियाँ जो सुनने धोई थी सब सूख गई। बस मैं भी चलती हूँ नीचे, उनका दिखाऊँगा आपको हमारे यहाँ की दाल जो है कैसी होती है। देखिएगा बहुत गर्म दाल होती है, इससे कहते हैं पथरी भी कटती है। हाँ, इसका पानी पीते हैं ना लोग बाग, इसे उबाल के पका के जैसे भी है। देखिए हवा बहुत तेज़ चल रही है ऊपर और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत तेज़ है। अब जितनी गर्मी होती जाएगी ना, छत में धूप रहेगी रहेगी। ये देखिएगा, कभी मैं आपको दिखाती हूँ ना, दीवार पर धूप रहती है। और आज जो है देखिए इतनी धूप है। वैसे मैंने जल्दी भी निपटा दिया था आज काम, जल्दी उठ गई थी सुबह तो काम जल्दी निपटा दिया था, तो अब फ्री हो गई हूँ। कपड़ों में सब में धूप अच्छे से लग जाएगी, चलेगा, चलते हैं नीचे।
तो फ्रेंड्स कपड़े सब डाल चुके हैं। कभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत तेज़ी से धूप आ रही है, और कभी जो है ना मौसम थोड़ा सा वैसा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा बादल बादल से दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो बस कपड़े अपड़े मेरे धुल चुके हैं, बस अब नीचे जाकर मुझे सफाई करनी है और देखती हूँ क्या बनाती हूँ आज खाने पीने में। और बस अभी बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर रात का भी मेरा ऐसा ही है, क्योंकि मेरे पैरों में होने वाला है बहुत तेज़ी से दर्द। और क्योंकि जब काम करते करते तो पता चलता नहीं है, लेकिन काम करने के बाद पता चलता है कि हाँ पैरों का क्या हाल होने वाला है। तो बस गेट को कर देती हूँ बंद, क्योंकि बंदरों का आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे। तो बस देखती हूँ सुबह नीचे, मतलब अब नीचे जाके क्या करती हूँ। ये देखिएगा अभी सुबह मतलब दोपहर का काम इस तरीके से फैला हुआ है सारा, यहाँ पर सफाई करनी है और सारा काम निपटाने के बाद ही खाना बनाऊँगी। और सब थोड़ा थोड़ा करके सब फैला हुआ, अब बेटे को उठाती हूँ क्योंकि मेरे बस का लगता नहीं है कि सारा काम मुझसे हो पाएगा। तो अब फटाफट से इसे पूरा करती हूँ। तो चलिएगा बने रहिएगा आप मेरे साथ, अभी थोड़े बहुत कपड़े और रह गए हैं, इन्हें भी करती हूँ फटाफट से, उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी। और खाना में आज मैं जो है दाल चावल बनाने का मेरा मन है, तो दाल चावल ही बनाऊँगी। तो ये देखिएगा यहाँ पर भी मैंने चादर वादर सब बदल दी है, और ये कुकर अब मुझे रखना था, तो क्योंकि जब ज़्यादा ज़्यादा सामान हो जाता है ना तो उसकी फिर देखभाल भी वैसी करनी पड़ती है। हम निकाल कुल के रखे हुए हैं, यहाँ भी साफ़ सफाई सारी हो चुकी है, और अब बस यहाँ पे दरी बिछा दूँगी। और क्योंकि सर्दियों के दिनों में ना नीचे एकदम पैर रखते ही ठंडा लगता है, तो वो रखना है, दरी बिछानी है। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग। तो फ्रेंड्स यहाँ बन गई है दाल, और दाल मैंने कुकर में ही बनाई थी, इस वजह से जो है अब चावल भी मुझे कुकर में बनाने हैं, तो इसलिए दाल इसमें मुझे खाली करनी पड़ी। तो चावल भी मेरे बन चुके हैं, तो देखिएगा आप, कुकर खोलना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर एक हाथ में कैमरा पकड़ा हो दूसरे हाथ से कुकर खोलना हो तो मुश्किल तो पड़ता ही है। तो देखिएगा इसकी थोड़ी सी भाप निकल जाती है तो फिर ये खुल जाएगा आसानी से। और ये देखिएगा चावल भी बनकर हो गए हैं तैयार, और अब देखिएगा चावल हो गए तैयार, और छीक कितनी आ रही है ना, बहुत ज़्यादा छीकें आ रही हैं। और ये देखिएगा दाल चावल तैयार हो गए हैं, और अब सर्दी हो रही है, खाने का मन तो नहीं था चावल, लेकिन बनाने का भी मुझे ऐसे ही हो रहा था कि रोटियां बनाना ही करना, और बेटे का मन चावल खाने का होता है। कभी कभी छुट्टी का दिन होता है जब बच्चे का कुछ खाने का मन होता है तो बना ही लेती हूँ। चलिएगा हो गया खाना तैयार, तो ये देखिएगा दाल चावल आज ये आप लोग भी। ये लड़का मुझे बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं करने दिख रहा, देख रहे हो आप उसका शोर कितना सुनाई दे रहा है, और बोले जा रहा है बोले जा रहा है बोले जा रहा है। और तो आ जाइएगा आप लोग भी खा लीजिएगा खाना, और फिर खाना वाना खा के करती हूँ फिर मैं कुछ और काम। तो तब तक करते हैं हम लोग लंच, और जिनको भी दाल चावल पसंद है तो आ जाइएगा फटाफट से। तो फ्रेंड्स ये है इवनिंग का टाइम, और सारे कपड़े आ गए हैं नीचे, नीचे सारे कपड़े आ गए हैं, अब इन्हें सबको तय लगाना भी बहुत बड़ा काम हो जाता है, धुलना एक और इनको फिर वो करना। और ये फ्रेंड ये है रात का टाइम, और रात के टाइम में सब दाल आज दिन की रखी हुई थी, बस दो दो फुलके बनाए हैं, काम ख़त्म हो गया है, और बस अब मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ सामान वामान सब मैंने लगा दिया है, यहाँ पर साफ़ सफाई भी कर दी है, सिंक भी साफ़ हो गई है, बर्तन भी साफ़ हो गए हैं। तो कैसा लगा आज का व्लॉग मेरा आपको बताइएगा ज़रूर, और जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा,
आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत 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 ज़रूरत रहती है। तो आज के व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं आपसे कल एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ में, या कोई कहानी के साथ में, या कोई भी मनोरंजन कहानी, या कोई कविता, या कोई कथा के साथ। तो चलिएगा, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, ओके, बाय बाय।